अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद ईशान और आज के डिस्कशन का हमारा मेन टॉपिक है कि समरी ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द डेरिवेटिव। ठीक है, हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि हमारे डेरिवेटिव के जो भी हमने लेक्चर 1 से लेकर 14 तक हमने डिस्कस किया है उसमें डेरिवेटिव को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, और जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं लेक्चर 1 से 14 तक उन सबको हम एक ही वीडियो में एज अ समरी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये हमारे पे डिपेंड कर रही है असाइनमेंट नंबर 3 के ऊपर, यानी कि जो असाइनमेंट नंबर 3 आपको मैंने दी है उस असाइनमेंट में कुछ इस तरह से मैंने क्वेश्चन दिए थे हमें कि एक फंक्शन था जस्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x के प्लस 1, और उसी फंक्शन के ऊपर डिफरेंट मैंने कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करवाए थे आप लोगों से कि आप एक ही फंक्शन के ऊपर डिफरेंट चीज़ें आप फाइंड आउट करें बाई यूजिंग द डेरिवेटिव। तो फर्स्ट पार्ट में था कि ग्राफ आपने स्केच करना है, सेकंड पार्ट में ग्राफिकली डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे, जो आप पार्ट 1 में ग्राफ ड्रा करेंगे उसको देखते हुए, और उसी तरह आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करना था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट इस चीज़ के लिए कि बताएं कि वो ग्राफ का फंक्शन है या नहीं है, वो कैसे है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू आप बता सकते कि ऑन टू है या 1 टू 1 है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस करना था। उसके बाद इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और उसके बाद अगेन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करना था ग्राफ का बाय यूजिंग डेरिवेटिव, एंड अगेन ओपन इंटरवल के ऊपर कनकेविटी, कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, तो ये बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव हम चेक कर सकते थे। तो अगेन दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, डबल डेरिवेटिव जहाँ पे 0 हो वो क्या होता है हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, और क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट भी हमारे पास डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं कि जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइंड हो, और स्टेशनरी पॉइंट में फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे 0 होता है वो क्या होते हैं हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, और इसी तरह रिलेटिव एक्सट्रीमम भी हैं कि जहाँ पे टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होती है 0 होती है, तो वो पॉइंट्स क्या होता है रिलेटिव एक्सट्रीमम, यानी कि यहाँ तो वो रिलेटिव मैक्सिमम होगा या तो रिलेटिव मिनिमम होगा, और एट दी एंड हम इन सब चीज़ों को इन अ सिंगल ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और कहने का मकसद क्या है कि ओवरऑल जितनी भी डिस्कशन है वो सारी की सारी डेरिवेटिव से रिलेटेड है। फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद डोमेन रेंज फाइंड आउट करने के बाद उसकी टाइप डिफाइन करने के बाद हम सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो डेरिवेटिव को यूटिलाइज करते हुए इवेल्युएट करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करने से पहले एक क्विक समरी के तौर पे मैंने ये चीज़ें डिस्क्राइब की हैं यहाँ पे कि आप इसको देख सकते हैं कि फंक्शन है, मैंने एफ ऑफ एक्स को सामने मैथमेटिकली फंक्शन लिखा होगा, और इंक्रीजिंग कब होगा कि जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को, क्योंकि टेंजेंट लाइन जिस इंटरवल के अंदर ए बी, मैंने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे ए बी फॉर इंटरवल के, जिस इंटरवल के अंदर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव होगा वहाँ पे फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग होता है, और जिस इंटरवल के अंदर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहाँ पे फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है जी, यह स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन लेस देन 0 मीन नेगेटिव होगी, तो वहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या, उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या डिक्रीजिंग है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास, ये क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर आप ये बता सकते हैं कि जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो या फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइन हो, उन एक्स की वैल्यूज को, उन एक्स नॉट पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं कि उन पॉइंट्स को वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। और क्रिटिकल पॉइंट का एक पर्टिकुलर केस है कि अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होती थी पॉइंट्स के ऊपर, तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाते हैं। तो इन दो चीज़ों को देख के आप ये बता सकते हैं कि हर स्टेश जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो क्रिटिकल पॉइंट मस्ट होगा, लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकते हैं जो कि अनडिफाइन होंगे, इन जिनके ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा अनडिफाइन होगा, तो वो क्रिटिकल पॉइंट तो होंगे अनडिफाइन वाले लेकिन वो स्टेशनरी नहीं होंगे, लेकिन पहले ये वाली जो कंडीशन है ये दोनों के लिए सेम थी। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हम बता सकते हैं कि वो रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है, तो अगर एक्स नॉट कोई हमारे पास कोई एक है क्रिटिकल पॉइंट है, उसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू बता सकते हैं कि वो रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है। अगर एक्स नॉट हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो वो रिलेटिव मैक्सिमम कब होगा कि अगर उसके लेफ्ट साइड से हमारे पास उसके क्या हो कि जो हमारे पास डेरिवेटिव का साइन क्या हो पॉजिटिव हो, और उसके राइट साइड पर उस पॉइंट के डेरिवेटिव का साइन क्या हो नेगेटिव हो, यानी कि साइन जो है उसका पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा हो उस पॉइंट के, तो एक्स नॉट के अगर लेफ्ट पे साइन पॉजिटिव है और राइट पे नेगेटिव है, तो इट मीन टू से कि वो क्या होता है हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम होता है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन का पॉजिटिव होने से मतलब ये होता है कि फंक्शन वहाँ पे बेसिकली लेफ्ट साइड पे क्या कर रहा हो इंक्रीज कर रहा हो, और राइट साइड पे क्या कर रहा हो डिक्रीज कर रहा हो, तो रिलेटिव मैक्सिमम होता है। और इसी तरह अगर हमारे पास एक्स नॉट के पॉइंट है और उस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे फंक्शन क्या हो डेरिवेटिव फंक्शन का वो क्या हो नेगेटिव, और राइट साइड पे क्या हो पॉजिटिव हो, यानी कि नेगेटिव टू
पॉजिटिव आप जा रहे हो हमारे पास उस पॉइंट के नेबरहुड में, तो वो हमारे पास उस वो पॉइंट का होता है रिलेटिव मिनिमम होता है, यानी कि पहले क्या करता है वो डिक्रीज कर रहा था, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पहले नेगेटिव है उसकी स्लोप, तो पहले नेगेटिव था अगर लेट से, तो डिक्रीज कर रहा था, उसके बाद उसने इंक्रीज करना शुरू किया। तो जब एक चीज कम हो रही हो बाद में ज्यादा होना शुरू हो गया, तो जिस पॉइंट के ऊपर उसने टर्न लिया है वो पॉइंट क्या बन जाएगा, रिलेटिव मिनिमम बन जाएगा। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है हमारे पास कनकेविटी था। कनकेविटी के लिए हमने क्या देखा था डेरिवेटिव का यूज, कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा हो किस इंटरवल के अंदर, उस इंटरवल के अंदर हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है वो कनकेव अप होता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का इंक्रीज आप कैसे देख सकते हैं, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जिस जगह पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है बेसिकली वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव से मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इंक्रीज कर रही होती है, यानी कि कनकेव अप कब होगा कि जब किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज करे, या किसी इंटरवल के अंदर उसकी टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो वहां पे वो क्या होता है कनकेव अप। तो बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव इज अ वेरी सिंपल, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है किसी इंटरवल के अंदर तो वहां पे वो कनकेव अप होगा, और इसी ना किसी इंटरवल के अंदर अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो कनकेव डाउन होगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने से मुराद ये है कि टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। टेंजेंट लाइन के स्लोप से क्या मुराद है कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उस इंटरवल के अंदर डिक्रीज कर रहा होता है, इसलिए उस जगह पे हमारे पास क्या होता है, कनकेव डाउन होता है। ठीक है, आगे आ गया इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो हमने कनकेविटी पढ़ ली, कनकेव अप और कनकेव डाउन। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये होता है कि जहाँ पे किसी भी फंक्शन के ग्राफ में कनकेविटी चेंज हो रही हो, कनकेविटी यहाँ तो डाउन से अप हो रही हो या अप से डाउन हो रही हो, तो वो पॉइंट क्या होता है, ग्राफिकली इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। और मैथमेटिकली बाय यूजिंग डेरिवेटिव भी आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो पॉइंट क्या बनता है, हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाता है। अगर यानी स्टेशनरी पॉइंट्स, तो स्टेशनरी पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू, या जिस जिन पॉइंट्स के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो वो एक्स नॉट पॉइंट सारे क्या होंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। अब स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे रिपीट करने की क्यों जरूरत पेश आई, क्योंकि जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो वो क्या स्टेशनरी पॉइंट है, तो उन पॉइंट के ऊपर हमें रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज मिल रही होती है, या मैक्सिमम या मिनिमम। तो प्रीवियसली हमने देखा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू, लेकिन जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू बता सकते हैं इजीली। इट्स अ वेरी कन्वीनियंट मेथड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कि अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट है यानी कि फर्स्ट पॉइंट डेरिवेटिव अगर जीरो है तो उसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा कि ये कंप्लीट मैंने जो लास्ट थ्री पॉइंट्स है ये वाले, ये बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पॉइंट्स हैं, कि रिलेटिव मैक्सिमम कब होता है कि अगर उनका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो किसी पॉइंट पे एक्स नॉट पे क्या हो जीरो, यानी कि वो क्या हो स्टेशनरी पॉइंट्स हो, और एंड एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट क्या हो ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव हो, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर जीरो हो और उसी पॉइंट के ऊपर अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाए हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, तो उस एक्स नॉट के ऊपर जो फंक्शन होता है वो क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम होगा। और इसी तरह अगर किसी पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो यानी कि स्टेशनरी पॉइंट हो, और उस जगह पर सेकंड डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर लेस देन जीरो में नेगेटिव आ जाए, तो वो पॉइंट क्या होता है हमारे पास, रिलेटिव मैक्सिमम होता है। और अगर फर्स्ट अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी जगह पे जीरो आ जाए, तो उसके उसमें हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो हमारे पास वहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो इनकंक्लूसिव रह जाता है। तो वहां पे हमें डिसाइड करना और रिलेटिव मिनिमम या मैक्सिमम व्हाट्स सो एवर, तो उसके लिए हमें फिर अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव को यूटिलाइज करना पड़ता है। थैंक यू।